एज यूजुअल हम लोग जयपुर जा रहे थे हनीमून के लिए। एज यूजुअल हमारे हनीमून में जैसे हमेशा बाधा आती है, फिर से कोई कांटा आया तो हमारा हनीमून नहीं हो पा रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मैंने अभी तक जितने भी रोल्स किए हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहे हैं। मैंने लॉर्ड कृष्णा भी किया, लेकिन हमेशा कोशिश मेरी हमेशा ये रही है टीवी में कि मैं हमेशा अलग कैरेक्टर्स प्ले करूं ताकि मेरे काम में वो फ्रेशनेस रहे और ऑडियंस बोर ना हो। तो हमेशा जब भी कुछ भी मैंने किया, चाहे वो द्वारकाधीश था, उसके बाद बिग बॉस किया था जिससे वो द्वारकाधीश की इमेज ब्रेक हुई थी, अब मैं नेगेटिव रोल प्ले कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। मुझे हमेशा लगता है कि जब आप एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हैं तो आपके पास परफॉर्मेंस का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज आप अपने इमोशंस के साथ, अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ, अपनी डायलॉग डिलीवरी के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं होती कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आप वैसे नहीं कर सकते। तो इस कैरेक्टर में परफॉर्म करने में तो मुझे अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है, और ये मुझे लग रहा है कि लोग भी काफ़ी अभी मुझसे परेशान होने वाले हैं। और जैसी मेरी लुक है, मुझे कभी लगता नहीं था कि कोई मुझे नेगेटिव रोल देगा, और मुझसे डरना भी मेरे ख्याल से किसी के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मज़ा आ रहा है मुझे। मैं वेट कर रहा हूँ कि लोगों का फीडबैक मिले मुझे, और मैं जानना चाहता हूँ कि सबको कैसा लग रहा है। बड़ा फनी है हमारा विलेन। नाच रहा था गाड़ी के ऊपर। मेरे ख्याल से मैं अपनी रियल लाइफ में बहुत रिजर्व्ड और शाय हूँ शायद काफ़ी हद तक, लेकिन हमेशा मेरा बहुत ये फर्मली मानना है कि किसी भी एक्टर को अगर अपना काम एंजॉय करना है या अच्छा होना है तो उसे बहुत बेशरम होना चाहिए, एटलीस्ट जब कैमरा रोल्स करें। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब कैमरा रोल करें तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं विशाल हूँ, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसे उसमें जस्टिस करूँ। इस विलेन का स्टोरी में होना बिल्कुल जस्टिफाइड है, बिकॉज जो इस शो में पारो हैं उनकी शादी मेरे बड़े भाई से होनी थी, और जिन्हें रुद्र ने मार दिया था। तो ये लड़का कहता है कि तुम्हारी शादी मेरे भाई से होनी थी और तुमने शादी भी उससे कर ली बाद में, जिसने तुम्हारे हस्बैंड को मारा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है, और ये रिवेंज लेने के लिए आए इन दोनों से। मैं अभी तो इतना कहूँगा कि आई एम हेयर टू स्टे, और हमारी कोशिश यही है कि ऑडियंस को ये ट्रैक पसंद आए ताकि लोग शो एंजॉय करें और शो लंबा चले। लेकिन अपनी पहचान तुम्हें तोड़ने में नहीं लेने वाला, उसके लिए तुम्हें इंतजार करना होगा, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा।